हेलो स्टूडेंट्स, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि टेंथ में अभी आपको उसका बेस आ रहा है और आगे हायर स्टडीज में ये काफ़ी यूजफुल होता है। आज के वीडियो में आपको पहले तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है उसके कुछ बेसिक टर्म्स और वी कैन से फॉर्मूला वो देख के दो सम बताऊँगा, ताकि आप जब भी ये चैप्टर जब आप पढ़ना शुरू करो तो अगर आज का वीडियो आप अच्छी तरह से समझोगे तो वो पूरा चैप्टर आप अच्छी तरह से उसको सॉल्व कर पाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एपी मतलब कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, तो ये चीज है, ये है कि इट इज अ सीक्वेंस, ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होती है, नंबर्स की एक सीक्वेंस इन विच between two consecutive terms difference is constant। मतलब कि वो जो भी सीक्वेंस आ रही होगी उसमें सेम नंबर का डिफरेंस रहेगा। कैसे, देखो नीचे एग्जांपल से, जैसे टू है, टू के बाद हमने सीक्वेंस में नंबर डाला है फाइव, मतलब कि यहाँ पे आप देख लो कितने नंबर इसमें ऐड किए टू में, थ्री, थ्री नंबर का गैप है, फिर 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11, मतलब सेम कांस्टेंट नंबर का एक जा रहा है ना इसमें डिफरेंस। तो ये जो हुई ये एपी है हमारी। नेक्स्ट सेकंड वाला ये चेक करते हैं कि ये एपी है कि नहीं। 3 कॉमा माइनस 3 कॉमा 3 कॉमा माइनस 3, तो 3 से माइनस 3 मतलब कि कितना इसके बीच में डिफरेंस कितना हुआ, तो माइनस 6 का। यहां से यहाँ पे डिफरेंस कितना हुआ, प्लस 6 का। देखो माइनस सिक्स और प्लस सिक्स एक नंबर नहीं है, और हमारा यहाँ पे इसका डिफाइन क्या बताता है कि सेम नंबर कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, तो इसीलिए भले नंबर सिक्स दिख रहा है पर यहाँ पे एक माइनस और एक प्लस है, तो ये हमारी एपी नहीं हो सकती। इसमें चेक करते हैं, वन से 1.5 मतलब कि 0.5 का डिफरेंस है, इतना बड़ा, यहाँ से इतना, तो ये भी 0.5 का डिफरेंस है, ठीक है, जो भी प्लस में, इस हिसाब से यहाँ पे 0.5 का डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी हमारी एपी है। मतलब ये वाली एपी है और ये एपी नहीं है, उसका रीजन आपको पता चल गया होगा। इन शॉर्ट एपी क्या है, समझ में आ गया होगा कि टाइप ऑफ सीक्वेंस, एक नंबर की सीक्वेंस में डिफरेंस सेम रहता है। जैसे मैं और एक एग्जांपल बता दूं, यहाँ पे जैसे 5 है लिखा है, मतलब 5, 10, 15, 20, 25 का टेबल, मतलब कोई भी टेबल हो वो सारे क्या हो गए एपी। ओके, फिबोनाची सीक्वेंस, कोई एसेंट में इसको फिबोनाची भी बोलते हैं, तो फिबोनाची सीक्वेंस एक पॉइंट है, सिर्फ इसमें एक समझने की बात है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, डिटेल टेंशन, तो खाली क्या है ये समझना है आपको। तो ये क्या है, ये सीक्वेंस शुरू करता है नेचुरल नंबर से, वन से, और इन्होंने ये सीक्वेंस में क्या बनाया है कि जो भी नंबर हो उसके प्रीवियस नंबर इसमें प्लस करो। अब हमने पहला तो वन लिखा, तो वन के प्रीवियस क्या आएगा, जीरो आएगा, तो वन के प्रीवियस जीरो, तो जीरो इसमें प्लस करो, तो नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा, वन ही बनेगा ना, वन प्लस जीरो तो क्या बना, वन। ओके, अब ये जो आया उसके प्रीवियस ऐड कर देता हूं, तो 1 प्लस 1 क्या होगा, 2, 2 इसमें ये प्रीवियस ऐड करो, 2 प्लस 1 क्या होगा, 3, 3 प्लस 2 क्या होगा, 5, 5 प्लस 3 8, इन शॉर्ट प्रीवियस नंबर ऐड करते जाए, 8 प्लस 5 13 एंड सो ऑन। ऐसे ये पूरी जो सीक्वेंस बनती है इसको बोला जाता है फिबोनाची या फिर फिबोनाची सीक्वेंस। अब ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन, अब हम इसके इंपॉर्टेंट की नोट्स पे जाते हैं कि कौन से टर्म को क्या बोला जाता है और आपको आप उसको कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हो। तो ए जो है हमारा, इसमें ए फर्स्ट टर्म जो भी होता है ना एपी का, उसको ए बोला जाता है। जैसे कि ये सीक्वेंस यहां से शुरू हो रही थी, तो इसमें टू था ना, तो टू हमारा क्या हो गया, ए। ओके, और डी जो है, जो कि कॉन्स्टेंट नंबर का जो गैप रहता है, जो मैंने बताया जिसको कॉमन डिफरेंस भी बोला जाता है या फिर डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, उसको हम D से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो उसका फॉर्मूला ऐसे बनता है, A2 माइनस A1, क्या बनता है, A2 माइनस A1, जिसमें AP हमारी A1, A2, A3 ऐसे सो ऑन, और ये A1 को ही मतलब A लिया जाता है हमेशा, और ऐसा जरूरी नहीं कि A2 माइनस A1 करोगे तो ही डिफरेंस मिलेगा, ये तो एक जनरल एक आपको फाइंड करने के लिए, A3 माइनस A2 करोगे या A4 माइनस A3 कुछ भी करोगे तो मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं एक सीक्वेंस ले रहा हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल 5, 10, 15, 20। ओके, ये एपी है तो कंफर्म है, क्योंकि पूरा फाइव का टेबल ही मैंने बोला ना, अभी कोई भी टेबल हो वो तो एपी रहेगा ही।
तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है ये हमारा क्या हो गया ए, इसको हम क्या बोलेंगे ए, और जो डी जो है वो क्या करना है आपको सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना है, हमेशा आपको सेकेंड टर्म पहले लिखना है फिर माइनस रखना है और फिर फर्स्ट टर्म, तो आपका डी क्या मिलेगा फाइव। तो ए और डी क्या है वो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है इसके। अब दूसरे इसमें जो सम में जो फॉर्मूला आपको यूज करना था उसमें क्या फॉर्मूला यूज करनी और इसको क्या बोलते हैं समझ लेते हैं, जैसे कि ए एन, तो ए एन जो है इसका मतलब क्या है एंथ टर्म ऑफ ए बी, जैसे कि ये ए पी है, इस ए पी में फोर्थ टर्म मैं ऐसा बोलू क्या आएगा, तो यहाँ पे आप देख के इजीली बता सकते हो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म इसका आएगा 20, ओके। तो ये वैसे ही एंथ मतलब कोई भी एक नंबर आपको आगे कुछ भी दिया, कोई ऐसे ए पी दी होगी जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे ए पी दी होगी और आपको बोला होगा कि फाइंड 29th टर्म, तो आप 29th टर्म ऐसे सोच के तो नहीं कर सकते, उसके लिए क्या करना है आपको ये सिंपल ये फॉर्मूला यूज करना है जिसमें ए एन जो है जो हमारा ए एन क्या शो करता है कि वो वाला टर्म 29th है, जो भी नंबर आपको फाइंड करना है वो ए और डी तो समझ गए, और जो नंबर आपको बोला है कि भाई 12th टर्म आप फाइंड करो या 29th, वो उसको एन के प्लेस पे रखना है आपको सब्स्टिट्यूट करना है, ओके। नेक्स्ट दूसरा जो आता है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आता है सम का, जैसे मैंने बोला टर्म फाइंड करने का भाई ये एपी में ये टर्म क्या है, वैसे सम तो ऐसा बोला आपको क्वेश्चन में ऐसे कोई एपी दिया होगा और आपको दिया होगा कि भाई इसका 10th टर्म तक का सम फाइंड करो, ठीक है, तो सम फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला जिसमें ऑलमोस्ट बहुत सिमिलर है, इससे थोड़ा बहुत तनिक डिफरेंस है, इसमें ए के आगे 2 लग जाता है और यहाँ पे आगे एन बाई 2, ये फॉर्मूला है, तो ऐसे इजीली इसको याद कर सकते हो। अब यहाँ पे दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा फॉर्मूला जो है जो आपको काफी यूजफुल हो सकते हैं जब ये चैप्टर आप डिटेल में करोगे सॉल्व, तब ये डी का फाइंड करने का और एक फॉर्मूला है, जब आपको दो ए एम वाले टर्म दिए, मैंने एक क्वेश्चन भी लिया फिर आपको सॉल्व करके बताऊंगा, तो एक ये फॉर्मूला है, फिर ए एन का फाइंड करने का और एक फॉर्मूला है, ये डी का और एक फाइंड करने का फॉर्मूला है जो आपके पास सीरीज हो सम की, और एस एन का मतलब जो मैंने बोला ना कि सम फाइंड करेगा उसका भी एक और फॉर्मूला है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है नोट डाउन कर लेना, आज ये सारे यूज नहीं कर पाऊंगा पर इसमें से बेसिक कुछ यूज करके दो सम बता रहा हूँ। तो पहले सम पे जाते हैं, फर्स्ट सम जो है हमारा जिसमें मैंने क्या लिखा है पहले ध्यान से पढ़ लो, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 2, मतलब के फर्स्ट टर्म क्या होता है हमारा ए, तो ए इक्वल टू 2, आपको और क्या दिया है डेटा में ए 5 इक्वल टू 30 दिया है और ए 7 इक्वल टू 44, तीन चीजें दी है और आपको फाइंड करना है ए 12, तो सबसे पहले आपको ए 12 मतलब कि ए एन वाला फॉर्मूला ये फाइंड करने के लिए आपको एन की जगह 12 मिल गया, ए रखा है पर डी नहीं है ना आपके पास, आपको पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा डी फाइंड करना पड़ेगा, और डी फाइंड किससे करेंगे मैंने इंपॉर्टेंट जब यहाँ पे रिजल्ट्स में पहला जो बताया डी का फॉर्मूला उससे फाइंड करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला में आप देख लो उसका फॉर्मेट देख के ही समझ में आ जाएगा, ए एम माइनस ए एन, तो मतलब कि दो ऐसे ए ए वाले टर्म दिए हो आपको तब आपको डी फाइंड करने के लिए वो फॉर्मूला ईजी रहेगा, तो यहाँ पे डी इक्वल टू मैं क्या करूँगा देखो ए बड़ा नंबर जनरली हम पहले रखते हैं ए 7 माइनस ए 5 अपॉन 7 माइनस 5, ये फॉर्मूला का यूज किया है जहां पे अभी मेरे पास m की जगह पे 7 है और n की जगह पे 5 है, तो इसलिए a 7 माइनस a 5 हुआ और नीचे 7 माइनस 5, सिंपल समझ में आया, ओके। नाउ a 7 की वैल्यू तो है हमारे पास क्या है 44 और a 5 की वैल्यू हमारे पास क्या है 30, 7 माइनस 5 2 होता है, तो मतलब के डी जो है वो आपका क्या मिला आपको ग्रेट 7, अब डी आपको 7 मिल गया, आपको फाइंड क्या करना था ए 12, तो ए 12 फाइंड करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बच्चा पार्टी ए एन वाला, मतलब कि ये ए प्लस एम माइनस 1 डी, तो यहाँ पे ए प्लस अब एन की जगह पे हमारे पास 12 है, यहाँ पे एन मत लिखना क्या लिखना है हमें 12 माइनस 1 डी, अब ए जो है उसकी वैल्यू क्या दी है आपको 2, तो यहाँ पे क्या आएगी 2, 12 माइनस 1 मतलब क्या होता है 11 और डी हमने क्या फाइंड किया 7,
बस अब इसमें तो कैलकुलेशन ही बहुत इजी है, वो भी तो 2 + 11 7 = 77 और इन दोनों का प्लस होगा 79, मतलब कि हमारा 12th टर्म जो ये एपी का होगा वो होगा 79। सम क्वेश्चन देख के कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था पर कितना इजी है। तो ये पूरा चैप्टर ही ऐसा है कि जिसमें आपको अगर इसका बेसिक्स ठीक से समझ में आ गया तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैंने लिया है, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देते हैं। पहले मैंने क्वेश्चन ये सोच के दिया था पर अब सोचा है कि ऐसे वाला भी आपको बता दो। तो फाइंड सम अप टू 20th टर्म इन दिस एपी। अब ये क्वेश्चन लेने का दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि माइनस वाले मैंने लिया है ताकि आप लोग समझ सको कि भाई माइनस, देखो इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ ना, मतलब बच्चे शोर कर रहे हैं कि भाई वाह। देखो ये 20th टर्म जो है ना, एक तो मैंने रखा है तो मतलब कि कोई भी नंबर दे सकते हैं, ऐसा मत सोचना कि छोटे मोटे नंबर। दूसरी बात कि अगर माइनस में रखा है मैंने सीक्वेंस तो माइनस में भी एपी हो सकता है अगर डिफरेंस सेम चल रहा है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, -8 अगर मैं 3 प्लस करूँ ऐड करता हूँ तो -5, 3 ऐड करता हूँ -2, तो ये एपी है भले माइनस से शुरू हो रहा है तो ये ऐसा हो सकता है। तो पहले तो हम हमारे डेटा निकाल लेते हैं। सबसे पहला टर्म वो होता है हमारा ए सिंपल। डी जो है, देखो डी के लिए मैंने क्या बताया था, डी के लिए मैंने क्या बोला था, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो मतलब कि सेकेंड टर्म पहले लिख दो, फिर माइनस लिख दो और फिर फर्स्ट टर्म लिखो। अब यहाँ पे माइनस के बाद जब भी लिखना होता है और एक माइनस हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये हो गया आपका देखो -5 और ये +8, 8 - 5 क्या हो गया 3। देखो ये ऐसे देख के पता चल ही रहा था फिर भी हमें ऐसे फाइंड करना है। और यहाँ पे ये जो चीज है ना, वर्ड टू वर्ड आपको फॉलो करनी है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तभी आप गलती नहीं करोगे। वरना यहाँ पे अगर साइन में मिस्टेक हुई तो आप -3 निकाल लोगे, अगर यहाँ पे -3 निकाल लोगे फाइनल आंसर में भी क्या हो जाएगा, गलत मिस्टेक हो जाएगी। तो यहाँ पे एस एन आप फाइंड करना है, एस एन का फॉर्मूला लगाना है ना हमें, पर एन की जगह पे अभी हमें क्या दिया है 20, ठीक है। तो फॉर्मूला लेके एस एन वाला जिसमें एन की जगह पे हम क्या रखेंगे 20, तो यही फॉर्मूला मैं लूंगा बस एन की जगह पे 20 रख के। तो एन बाई टू का 20, 2a + एन की जगह पे 20 - 1d। ओके अब यहाँ पे ये कट होगा तो क्या हो जाएगा 10। a और d की वैल्यू हम सब्सिट्यूट कर देते हैं, हमारे पास है ही, a की वैल्यू है -8, 20 - 1 होता है 19 और d की वैल्यू जो है वो है 3। एट टू जा 16 होता है माइनस, इसलिए माइनस रहेगा। 19 3 जा क्या होगा 57। अब 57 जो है उसमें से हम 16 माइनस करेंगे हम तो क्या बन जाएगा 41, और वो 10 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 410 आंसर। मतलब क्या हुआ कि ये एपी में 20 टर्म जब आएंगे वो सारे का प्लस करेंगे, मतलब कि -8 + -5 + -2 जो आगे था आएगा 1 + 4, तो ये से 20 टर्म का जब प्लस करेंगे तो उसका आंसर क्या निकलेगा 410। ओके आई होप इट्स क्लियर। तो ये दो बेसिक्स हम बताएं, इसमें तो काफी ऐसे क्वेश्चन निकल सकते हैं, काफी मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकते हैं, पर इतना सारा कवर नहीं हो सकता एक वीडियो में। तो आज ये इंट्रोडक्शन प्लस बेसिक प्लस फॉर्मूला और दो सम इतना अच्छी तरह से समझ के नोट डाउन कर लेना, और फिर जिसको इसके बारे में ज्यादा इंटरेस्ट लगे वो मुझे कमेंट में बताए तो उनको इसकी मैं वर्कशीट दूंगा, वो सॉल्व करने में सही में बहुत मजा आएगा। ओके बाय एंड एंजॉय स्टडीज।